वॉम वेलकम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में डिस्कस करना है सब्जेक्टिव टेस्ट रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो 27 ऑफ अगस्त 2020 को आपने दिया तो क्वेश्चंस के आंसर्स भी डिस्कस करेंगे प्लस आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स की वो भी डिस्कस करूँगा और अगर आपने आंसर सही भी दिया और उसको और बेटर कैसे लिखा जा सकता था या किस आंसर में आपने एक्स्ट्रा मटेरियल लिख दिया जो कि चाहिए नहीं था तो वो सारा इस आज के लेक्चर में डिस्कस होना है तो क्वेश्चन नंबर वन जो था दैट वाज आपके पास ना दो लेंसेज थे जिनके पावर्स थे सिक्स डाई पॉजिटिव और दूसरा लेंस था माइनस डाई माइनस टू डाई ऑप्टर नेगेटिव देवर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट आपको निकालना था फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या है तो पावर्स जो हैं वो बताई थी आपको डायरेक्टली एड हो जाती हैं जो कॉम्बिनेशन का पावर है दैट इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू विद साइन ऐड करना होता है उससे पावर आ जाएगी कॉम्बिनेशन की बट पावर जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है तो कॉम्बिनेशन का पावर इज सिक्स माइनस टू यानी कि फोर डायोप्टर कॉम्बिनेशन का पावर है पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल इज फोर डाइऑप्टर इसको उल्टा कर लेंगे तो फोकल लेंथ निकल आएगी वन बाई फोर मीटर लेकिन आंसर आपको सेंटीमीटर में गिवन थे तो वन बाई फोर मीटर जो है वो बन जाएगा पॉइंट टू फाइव मीटर सेंटीमीटर बनाने के लिए इन टू हंड्रेड और कर देंगे तो ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर काफ़ी बच्चों ने सही किया है क्वेश्चन ये वाला लेकिन कुछ ने थर्टी सेंटीमीटर निकाला मुझे समझ नहीं आया कि कैसे उन्होंने पंगे ले लिए ईजी क्वेश्चन था बिल्कुल वन मार्क क्वेश्चन और अब जो आपका क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जो है उसमें भी पहले क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव ही आए आएंगे पिछला पैटर्न जो था लास्ट ईयर का उसमें 20 क्वेश्चन बेटा एम टाइप थे एम सी क्यू प्लस वन लाइन आंसर लाइक दिस क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक टाइप भी थे तो अब क्योंकि जो लॉकडाउन के कारण सिलेबस में कुछ चेंजेस भी किए हैं सीबीएसई ने और पेपर को भी थोड़ा सा चेंज किया है तो अब एम टाइप क्वेश्चन का नंबर बढ़ जाएगा चलिए तो पंगे मत लो सिंपल सिंपल से बेटा फार्मूले हैं फार्मूला बुक मैंने आपको सभी को बोला हुआ है मेंटेन करनी है जिन्होंने नहीं की बेटा प्लीज स्टार्ट डूइंग इट फार्मूला बुक जरूर बनानी है बेटा चलिए तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगना था टोटल पावर जो भी पावर्स हैं चाहे दस लेंस कॉन्टेक्ट में हो सबका पावर आपको विद साइन ऐड करना है दैट गिव्स यू नेट पावर पावर लेकिन जो है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल और फोकल लेंथ बेटा मीटर में होगी तो आंसर डाई ऑप्टर में आता है तो आप जो है ऐसी लेंगे फोर डाइऑप्टर का वन बाई फोर आंसर इज कमिंग गोइंग टू कम इन मीटर मीटर के आपको फिर सेंटीमीटर बनाने हैं एज पर क्वेश्चन चलिए इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि कौन से कलर की जो आपका स्पेक्ट्रम है वाइट लाइट के सभी कंपोनेंट्स इसका वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है तो याद ही रखना कोई खास चक्कर नहीं है आप ना जो वायलेट का वी है क्योंकि फ्रीक्वेंसी का सिंबल भी वी जैसा ही होता है न्यू लिखते हैं ना तो वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है फ्रीक्वेंसी जो है वो रेड से वायलेट की ओर जाएंगे तो बढ़ेगी और जो वेवलेंथ है वो उल्टा वायलेट से रेड की ओर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा <coughs> वेवलेंथ इंक्रीजेस टूवर्ड्स रेड कलर वेवलेंथ वायलट की सबसे कम रेड की सबसे ज्यादा और फ्रीक्वेंसी में जो वायलेट कलर है वो हाईएस्ट और रेड कलर की फ्रीक्वेंसी लोएस्ट तो अगर ऐसे याद कर लेंगे तो आपको बेटा इजीली ये रिकॉल कर पाएंगे आप याद हो जाएगा आराम से तो रेड कलर हैज़ गॉट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ सेकेंड ऑप्शन आंसर आना था बहुत सारे बच्चों का ठीक भी है क्वेश्चन नंबर थ्री था इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वैन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल for a given pair of media in contact what will be the angle of refraction aap mein se kafi bachchon ne na i equal to r answer likha hai jo ki galat hai jab angle jo hai equal to critical angle banta hai denser medium mein actually होता ye है कि angle जो ये है ना angle of incidence उससे angle of refraction ज्यादा होगा। uh, reason quite simple रीज़न uh, इज के जो आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना ये ये बेटा बना है इन डेंसर मीडियम ये वाला मीडियम आपका डेंसर था और जब रेरर में जाएंगे तो रे हैज़ टू बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो आर की वैल्यू जो है रेरर मीडियम में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बनेगी ज़्यादा गॉट इट और जैसे जैसे आपने एंगल ऑफ़ इंसिडेंस बढ़ाया आपने एंगल ऑफ़ इंसिडेंस को और इंक्रीज कर दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता चला गया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब शुरू होता है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपनी हाईएस्ट वैल्यू पे आ जाता है यानी कि 90 डिग्री बन जाएगी उस टाइम जो एंगल बनता है अंदर दैट इज क्रिटिकल एंगल तो अपना क्वेश्चन यही है क्वेश्चन ये है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल बन जाएगा उस टाइम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा डेरिवेशन में भी यूज़ किया था हमने नो डाउट तो आर का वैल्यू बेटा आता है नाइन्टी डिग्री आई इक्वल टू आर भी गलत है कुछ बच्चों ने जीरो डिग्री लिखा वो भी गलत है जिन्होंने टेस्ट दे दिया है बेटा वो अपनी करेक्शंस कर लीजिए कहाँ कहाँ पे हैं नो no डाउट काफ़ी बच्चों के फुल मार्क्स भी हैं तो क्लैप्स फॉर देम अभी नाम मुझे इंस्टेंटली याद नहीं है बट काफ़ी बच्चों ने तीन चार बच्चों ने बेटा थर्टी आउट ऑफ थर्टी भी लिए हैं दैट इज़ वेरी नाइस हाँ उनकी भी कुछ गलतियाँ हैं वो साथ साथ में भी बताता जाऊँगा उन्होंने लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट उनका सही है अटैम्प्ट सही है अटैम्प्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है कईयों ने फालतू का काम भी कर दिया वो भी एक्सप्लेन करूंगा चलिए तो जिस टाइम एंगल ऑफ इंसीडेंस डेंसर मीडियम में बनेगा क्रिटिकल एंगल उस टाइम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री सेकंड ऑप्शन आंसर आना था चलिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्राज अब अगला क्वेश्चन बेटा ये क्वेश्चन क्वाइट कॉमन क्वेश्चन है बोथ इन जेई मेन ए आई पी एम टी और आपके जो एम सी क्यू क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपनी थी एक टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिजम जिसमें दो एंगल थे बेटा फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव और एक एंगल होता है नाइन्टी तो इसका ये वाला जो ओरिएंटेशन है इस ओरिएंटेशन में जो ये रे ना वो नाइन्टी के एंगल से मुड़ जाती होता क्या है कि अगर ये जो एंगल है अगर इसको मैं 45 लिखता हूँ इस एंगल इज़ 45 ये 45 लिखा ही हुआ है ऐसे भी कर सकते हो इधर से भी कर सकते हो ये एंगल 45 है और ये एंगल भी 45 डिग्री बनेगा क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रो एंगल है राइट एंगल ट्रो एंगल एक एंगल 90, तो ये भी 45 और ये बनाया है हमने बेटा नॉर्मल फिगर में तो इतना ही बना था इसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ तो ये नॉर्मल है तो बेटा नॉर्मल मतलब नाइन्टी डिग्री तो अगर नीचे वाला एंगल फोर्टी फाइव है तो बेटा फिर ये ऊपर वाला एंगल भी फोर्टी फाइव होगा और हम चाहते हैं कि जो रे है वो यहाँ पे आके टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाए यानी कि ये जो एंगल है फोर्टी फाइव डिग्री ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए तब रे का कोई भी पार्ट बाहर नहीं निकलेगा आई की वैल्यू यानी कि 45 डिग्री की वैल्यू ये जो ग्लास जो भी मटेरियल है उसका एयर के साथ जो क्रिटिकल एंगल है ना वो 45 से छोटा होना चाहिए ताकि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो इसके लिए हम पहले भी कर चुके हैं ये क्वेश्चन दोनों तरफ बेटा साइन थीटा ले लीजिए साइन ऑफ आई इक्वल टू साइन आई सी आई हमारा 45 डिग्री है आई को 45 डिग्री पुट करिए और क्रिटिकल एंगल का साइन लें तो वो वन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर होता है तो ये इंडेक्स आपको यहाँ पे तो एन लिखा हुआ था मैंने म्यू लिखा हुआ है हमने म्यू से सॉल्व किया था साइन 45 डिग्री की वैल्यू जानते हैं वन बाई रूट टू म्यू को ऊपर ले जाइए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई तो म्यू आ जाएगा ग्रेटर देन रूट टू यही पूछा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जो है इस प्रिज्म का उस पर क्या कंडीशन होना चाहिए तो म्यू जो है यानी कि इसका इंडेक्स एन वो रूट टू से बड़ा होना चाहिए इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आगे आने वाला है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से ये एंगल फोर्टी फाइव राइट एंगल टू एंगल ये एंगल नाइनटी तो ये भी फोर्टी फाइव ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है नॉर्मल जो है दैट मीन्स ये पूरा एंगल 90 डिग्री था उसमें से 45 फाइव ये वाला आप छोड़ दीजिए तो ये 45 बचा तो जब रे जा रही थी डेंसर से रेरर की तरफ ग्लास से एयर की तरफ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 था तो ये रे जो है इसका टी आई आर तब होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि 45 वो क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर कॉम्बिनेशन उससे बड़ा होगा दोनों तरफ साइन ले लेना है साइन ऑफ फोर्टी फाइव वन बाय रूट टू एंड साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज वन बाय म्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर निकल आएगा अच्छा जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं बेटा ये मान के चलिए कि आपके स्कूल के एग्जाम जो होने हैं और फाइनल जो बोर्ड का एग्जाम होना है उसके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैंने अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं डाला सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं वही क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव बहुत सिंपल था ऑप्टिकल फाइबर में फिजिक्स का कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है तो खैर चैप्टर ही बेटा रे ऑप्टिक्स चल रहा था तो रे ऑप्टिक्स में से होगा कोई ना कोई प्रिंसिपल <laughs> तो मैंने ऑप्टिकल फाइबर आपको दिखाया था जिस दिन टॉपिक करवाया मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर में एक अंदर स्ट्रैंड होता है फ्लेक्सीबल जो कि मुड़ सकता है आराम से इधर उधर ये तो थोड़ा सा ही दिखाया हुआ है और ज़्यादा बैंड कर सकते हैं बाहर एक कोटिंग होती है लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की तो लाइट एक एंड से एंटर होती है और वो ट्रेवल करती है डेंसर टू रेरर मीडियम लेकिन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बन जाता है बड़ा तो ऐसा करते हैं जैसे मान लीजिए ये जो एंगल है यहाँ पे ये जो एंगल बना एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल आई क्रिटिकल एंगल से बड़ा है आई का वैल्यू आई से बड़ा हो गया तो बेटा रे को फिर बाहर जाने नहीं दूसरे मीडियम में ये वापस बाउंस बैक हो जाएगी इसी मीडियम के अंदर तो ये फिनोमिनन आगे आगे बेटा हर जगह फिर यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा फिर यहाँ जाके फिर से रिफ्लेक्शन होगा यहाँ जाके फिर से रिफ्लेक्शन होगा एंड सो so ऑन तो लाइट एक एंड से एंटर होकर दूसरे एंड में आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन बाहर आ जाती है तो फिनन था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो सिंपल मुझे लगता है रिपीट करने की जरूरत नहीं है समझा गया होगा चलिए अब ये सिक्स क्वेश्चन भी बेटा उसी तरह का राइट एंगल प्रिज्म है इसको भी सेम मेथड से सॉल्व करना था बट बच्चों ने क्या किया आप में से काफी बच्चों ने जो मेथड मैंने नहीं कराया था ना उन्होंने वो वाला कर दिया उससे फिर पता चल गया कि बच्चों ने आंसर कहाँ से ढूंढा ठीक है लैपटॉप आपके पास है मोबाइल आपके पास है बच्चों ने नेट पे डाला फटाफट क्वेश्चन को कॉपी करके लैपटॉप पे कॉपी करना और आसान है डी फाइल को भी कॉपी कर सकते हैं और डूडा के आंसर क्या आ रहा है मुझे पता है कि उन्होंने अपने आप नहीं किया जिन्होंने इस मेथड से सॉल्व किया है ना मार्क्स मैंने दे दिए नो डाउट मार्क्स हैव बीन गिवन बट मुझे बताइए बेटा इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है यह आंसर नेट पे दिया हुआ है मैंने भी नेट से ही कॉपी करके आपके सामने रखा है और बहुत सारे बच्चों की आंसर शीट में यही आंसर है एग्जैक्टली exactly. उनको चाहे साइन का टेबल देखना आता हो नहीं आता हो उनको पता नहीं कैसे पता लगा कि आंसर 46 डिग्री आना है तो यही उठा के कॉपी पेस्ट मारा इतने लंबे जमेले में पढ़ने की जरूरत थी ही नहीं तो क्वेश्चन ये था कि एक राइट एंगल्ड प्रिज्म है उस पर तीन कलर की रेस बहुत आसान है बेटा मैं आपको सिंपल बताता हूँ बिल्कुल सिंपल ये पंगे करने की जरूरत ही नहीं है बेटा नेट पे ये मत मानिए कि आपको सही से गाइडेंस मिलती है फिर तो टीचर की जरूरत ही नहीं है बेटा फिर टीचर तो चाहिए नहीं ना फिर नेट से ही पढ़ा जा सकता है टीचर इज रिक्वायर्ड वो तो अब लॉकडाउन है क्लासेस रेगुलर नहीं लग पा रही वो अलग इशू है लेकिन टीचर क्लासरूम को, को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता बेटा तो ये सारा बेटा फालतू का काम है ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी काफ़ी वेबसाइट से पता नहीं क्यों आंसर दिया है ये वाला बच्चों को उलझाया हुआ है देखो पहले तो बेटा वन पॉइंट फोर टू फोर है ना इसका रेसिप्रोकल लेंगे पहले रेसिप्रोकल लेने में कैलकुलेशन करेंगे फिर उसका साइन इनवर्स ढूंढेंगे नेचुरल साइन वाले टेबल में पता नहीं लॉग टेबल मिलना भी है कि नहीं मिलना है कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी ये सब का रिक्वायरमेंट नहीं है ये बिना आंसर हो जाएगा तो ये आंसर लिखा हुआ था ये मैंने फ़ोटो खींची हुई है बेटा फोटो मीन्स नेट पे जो लिखा हुआ था ना ये फोटोग्राफ है बेटा तो आपको कैसे आंसर लिखना था इतने लंब, लंबे लंबे चक्कर में नहीं पड़ना है इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए 1.39 था बताया था ना आपको एक फार्मूला कि अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है किसी भी कलर के लिए तो इसका एक फार्मूला था जिसको हमने नाम दिया था कॉशिज फार्मूला म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर आ गया आपको जितना लेमडा ज्यादा होगा उतना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा तो अभी अभी हमने किया रेड कलर की वेव सबसे ज्यादा वायलट की सबसे कम इसका मतलब हुआ रेड कलर के लिए म्यू का वैल्यू सबसे कम और वायलट कलर के सबसे ज्यादा वही देखिए चेक करिए रेड कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम ग्रीन का उससे ज्यादा हो गया और ब्लू लाइट का सबसे ज्यादा है तो जैसे पहले किया हमने उसी तरह बता रहा हूँ बेटा यहाँ पे ना एक अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर लें तीनों जगह आएगा वैसे नो no डाउट आपको बट तीन ड्रॉ नहीं करने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ तो पहले की तरह क्योंकि ये प्रिज्म जो है ना ये आइसुस सेल्स है यानी एक एंगल 90 बाकी के दो एंगल 45 ये एंगल बेटा 90 हो गया तो फिर ये भी 45 होगा तीनों एंगल का टोटल 180 आना चाहिए अब ये है आपका नॉर्मल तो नॉर्मल के साथ टोटल एंगल बनता है 90 डिग्री तो ये एंगल फिर से आपका पहले की तरह अभी करके हटें फोर्टी डिग्री बनेगा तो कोई भी रे हमें ये पूछ बताया पूछना है मतलब बताना है हमें आंसर में कि इनमें से कौन सी रे ए सी फेस को क्रॉस करके ना बाहर आ जाएगी वो हमें ढूंढना है अगर तो बेटा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऐसा हुआ कि रे का जो 45 डिग्री एंगल है ना एक क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ तो उस रे ने रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ जाना है बेटा वो बाहर नहीं निकलेगी हमें बस ये ढूंढना है कि कौन सी रेज का टी आई आर हो जाएगा और किसका नहीं होगा जिसका नहीं होगा वो वाली रे ने बाहर आ जाना है ओके okay, अब हमने क्या करना था हमने एक सिंपल काम करना था बेटा इतना लंबा क्वेश्चन टू मार्क्स का सिर्फ सॉरी क्वेश्चन इज ऑनली ऑफ टू मार्क्स तो करना क्या था बेटा सिर्फ सिंपल आई का वैल्यू रे का टी आई आर तब होगा जब आई का वैल्यू आई सी से बड़ा होगा आई वुड बी ग्रेटर देन आई सी तो अभी अभी हमने क्या लिखा, लिखा <coughs> दोनों तरफ साइन लिया बेटा साइन आई ग्रेटर देन साइन आई सी आई का वैल्यू 45 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस केस में 45-45 है साइन ऑफ सी वन बाई म्यू होता है तो जैसे अभी निकाला क्वेश्चन नंबर फोर था मैं मेरा ख्याल है म्यू का वैल्यू ना 1.414 से बड़ा होना चाहिए तो चेक कर लीजिए किसमें म्यू का वैल्यू 1.414 से बड़ा है ठीक है दो वैल्यूज बड़ी हैं। तो 1.424 बड़ा है 1.476 भी बड़ा है लेकिन 1.39, 1.414 से बड़ा नहीं है तो बस आपको बेटा यही यहाँ से लिखना था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड वाली रे के लिए 1.414 से लेसर है लेसर है तो इसका टी आई आर नहीं होगा रेड वाली रे बाहर आ जाएगी ग्रीन और ब्लू वाले जो हैं वो 1.414 414 से ग्रेटर हैं तो सिर्फ रेड रे जो है वो एसी से बाहर आएगी और बाकी की रेज का टी हो जाएगा इतना काम था बेटा तो ये ऊपर वाला सारा जो करके दिया बेटा आप लोगों ने उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी सिंपल स्टेप्स थे कोई आपको टेबल नहीं चाहिए नेचुरल साइन का उसके बिना ही क्वेश्चन होता है बेटा सो। तो, तो, तो ये जो आपका आज का लेक्चर है ना उसमें मुझे ये भी बताना था क्या करना है और क्या नहीं करना है इससे आपका टाइम बच जाएगा इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन में था एक डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास एज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 बेटा डबल कॉन्वेक्स लेंस का मीनिंग सिर्फ यह था कुछ बच्चों ने नाम नहीं लूंगा किस ने बच्चों ने किया कुछ बच्चों को यह लगा कि डबल कॉन्वेक्स लेंस का मतलब शायद है कि दो कॉन्वेक्स लेंस बेटा वेरी सिंपल सी बात है सिंगुलर और प्लुरल में डिफ्रेंशियट करिए ना क्या है सिंगुलर और प्लूरल कॉन्वेक्स लेंस लेंसेज थोड़ी लिखा था ऑनली लेंस लिखा हुआ था <coughs> एक ही लेंस है एक लेंस है और वो डबल कॉन्वेक्स है मतलब दोनों साइड से कॉन्वेक्स टर्मिनल तो तर, भी समझिए नहीं तो बेटा एक प्लेनो कॉन्वेक्स भी होता है ना वो एक साइड से कॉन्वेक्स एक साइड से प्लेन होता है एक कॉनकेवो कॉन्वेक्स भी होता है एक साइड से कॉन्केव एक साइड से कॉन्वेक्स इस वाले को बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स दोनों साइड से कॉन्वेक्स तो ये बेटा जो सो कॉल्ड टर्मिनोलॉजी वाली मिस्टेक्स मत करिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को एक ही लेंस था एक ही लेंस था उस लेंस के दोनों साइड में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर थे वो ट्वेंटी सेंटीमीटर ईच लिखा हुआ था दोनों लेंस का रेडिसो करे ट्वेंटी सेंटीमीटर ईच दोनों सरफेसेस का लेंस एक ही था ओके, okay, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था लेंस का 5, लेकिन आपको मैंने बार बार बोला कि जब हमें कॉन्वेक्स लेंस की बात करनी है सॉरी जब हमें कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करना है तो कॉन्वेक्स लेंस का रेज जैसे, जैसे मान लो लेफ्ट से रेज आएंगी तो जो डिस्टेंस रे की डायरेक्शन में होते हैं पॉजिटिव होते हैं तो ये जो पहला सरफेस है ना बेटा इसका सेंटर बनेगा राइट हैंड साइड तो इसका रेडियस आप मेजर करोगे राइट right को तो आर वन का वैल्यू आएगा प्लस प्लस ट्वेंटी सेंटीमीटर और जो दूसरा सरफेस है उसका सेंटर बनेगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो वो रेडियस मेजर होगी लेफ्ट को तो आपने आर टू का वैल्यू माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर यूज कर बस ये ध्यान रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का आपको 1.5 दिया है सराउंडिंग एयर का वन होता है तो वैसे यहाँ पे ना एन ऑफ लेंस एन ऑफ लेंस डिवाइड बाय एन ऑफ सराउंडिंग्स भी था बट अगर एयर है तो आपको लिखना नहीं है वो एन ऑफ सराउंडिंग्स इज वन चलिए अच्छा आपको टर्मिनोल गई बेटा आर टू का वैल्यू नेगेटिव आर वन का वैल्यू पॉजिटिव तो कहीं उन्होंने साइन में गलती कर दी बेटा इसलिए उनका गलत हो गया चलिए तो करना क्या क्या था आर वन पॉजिटिव प्लस ट्वेंटी सेंटीमीटर आर टू माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर एन का जगह वन पॉइंट फाइव पुट करिए बाकी कैलकुलेशन है उसमें मैं हेल्प नहीं कर सकता दैट इज मैथमेटिक्स वन पॉइंट फाइव में से वन माइनस किया पॉइंट फाइव बचेगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन बाय ट्वेंटी दो बार आ गया है ना मैंने दो बार लिख दिया दो बार वन बाय ट्वेंटी यानी टू बाई ट्वेंटी पॉइंट फाइव होता है आधा आधे को डबल करेंगे बेटा एक हो जाता है तो वन बाई ट्वेंटी रेसिप्रोक लीजिए फोकल लेंथ आ गई वेरी सिंपल फोकल लेंथ के बाद आपको दिया था कि ऑब्जेक्ट फाइव सेंटीमीटर हाइट का लेंस से फिफ्टीन सेंटीमीटर अवे प्लेस कर दिया है हमने तो यू का वैल्यू बेटा मैंने बोला था 99 नाइन परसेंट केसेज में माइनस ही आता है वेरी सिंपल लेंस अगर आप यहां पर ड्रॉ करते हैं ऑब्जेक्ट आपका इधर है तो रेज जो है वो ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ को आएंगी बाकी रे डायग्राम छोड़ो पर वो नहीं बनाना हमने और डिस्टेंस आ रहे लेंस के सेंटर से मेजर होते हैं तो जो डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के अगेंस्ट मेजर होंगे पीछे को उनका साइन नेगेटिव होगा ना तो यू आपने लेना है माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर फोकल लेंथ निकाल ली हमने प्लस ट्वेंटी सेंटीमीटर ओके तो अब हमें निकालना है कि इमेज कहां बनेगा पहले साइज ऑफ द इमेज निकालने के लिए हमें ना वी निकालना पड़ेगा पहले तो वी निकालने के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करो वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू यू का वैल्यू माइनस फिफ्टीन लेना है बेटा चलिए यू का वैल्यू डाल दिया माइनस फिफ्टीन फोकल लेंथ ट्वेंटी आ गई ये बन गया माइनस माइनस प्लस इसको लेफ्ट पे लेके गए तो वन बाय फिफ्टीन हो जाएगा नेगेटिव एलसीएम लेंगे सिक्सटी सिक्सटी आएगा एलसीएम ऊपर इधर आएगा थ्री और इधर आएगा फोर फोर में, में से थ्री में से फोर माइनस करेंगे माइनस वन तो v का वैल्यू बेटा कैलकुलेशन अपने आप कर लेना माइनस सिक्सटी सेंटीमीटर अब हमें फॉर्मूला लगाना है मैग्नीफिकेशन का m का फॉर्मूला m वॉज इक्वल टू एच टू बाई एच वन इमेज का साइज ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू वी बाई यू लेंसिस के लिए वी बायू था मिरर्स इस साल सिलेबस में नहीं है उसके लिए माइनस वी बाई यू आता एनी वे वी का वैल्यू आ चुका है यू अपने पास है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस फाइव सेंटीमीटर एच वन लिख दीजिए और एच टू आपको निकालना था ये माइनस माइनस कैंसिल फोर पे ये भी कैंसिल फाइव को इधर मल्टीप्लाई किया कईयों ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया कईयों ने यहाँ पे सिक्स सेंटीमीटर ले लिया अपनी तरफ से वो एक बच्चे ने सिक्स सेंटीमीटर लिया उसने दो चार बच्चों को आंसर फॉरवर्ड कर दिया तो बाकियों का भी सिक्स सेंटीमीटर हो गया बेटा तो ये मैं सोचो कि टीचर को पता नहीं चलता टीचर आप बेटा टेस्ट दे रहे हैं प्लस टू कर रहे हैं पहली बार टीचर बेटा कोचिंग वाला जो है ना वो हर साल प्लस टू जो है वो पाँच से छः बार कर लेता है हर साल बच्चे आते हैं बेटा हर साल नए नए नमूने आते हैं नए नए तरीके आते हैं अब कोरोना काल चल रहा है अब नया तरीका है कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दो ठीक है खैर अभी किसी बच्चे ने ऐसा नहीं किया कि किसी और बच्चे की शीट ही उठा के पूरी डाल दी हो कि सर मेरी भी यही है बस इतना नहीं हुआ तो अब इन फ्यूचर जो भी टेस्ट होंगे बेटा उसमें सभी बच्चे ना हर शीट पे अपना नाम भी लिखेंगे मेरे साथ नहीं हुआ किसी और टीचर ने मुझे बताया है कि शीट ही एक्सचेंज शीट एक्सचेंज हो जाती है ना एग्जामिनेशन हॉल में पर शीट एक्सचेंज में पिछला बच्चा जो है वो दूसरे की शीट को देख के लिखता है इस बार तो ज़्यादा ही मजा आ गया इस बार तो लिखना भी नहीं है मेहनत और भी कम हो गई किसी दूसरे बच्चे की शीट उठा के डाल दो एक मेरे फ्रेंड हैं कोई रोहतक में उन्होंने बताया है कि पूरी की पूरी शीट जो है वो दूसरे बच्चे की आ गई तो अभी आप भी यही प्रैक्टिस अप्लाई करेंगे बेटा यानी दूसरे बच्चे की शीट फॉरवर्ड नहीं करेंगे हर पेज पे सेंटर में अपना नाम लिखेंगे पेज के सेंटर में हर बच्चा हर पेज पे नाम लिखेगा अपना ताकि ये वाला जो है प्रॉब्लम हमारे साथ ना हो चलिए तो हाइट आनी थी ट्वेंटी सेंटीमीटर चलो ठीक है आप एंजॉय भी कर रहे हैं साथ साथ में ना कि तो बच्चे क्या, क्या क्या कारनामे करते हैं अच्छी बात है कहीं को पता नहीं होता ना कोई बात नहीं हाँ स्कूल में मत करना बेटा कोई बात नहीं स्कूल में भी नहीं करना है नुकसान तो आपका ही बेटा धोखा अपने आप को देंगे टीचर को नहीं दे रहे पेरेंट्स को नहीं दे रहे पेरेंट तो बेटा ऑनेस्टली अपने पैसे पे कर रहा है फिर के टीचर ऑनेस्टली पढ़ा रहा है अब भी लगा हुआ है लॉकडाउन में चाहे लेक्चर रिकॉर्ड करके डाले चाहे जैसे मर्जी करे टीचर्स भी चेंज हुए हैं उनको उनको चेंज करना पड़ा अपने आप सारे टीचर बेटा लैपटॉप पे कंप्यूटर पे एक्सपर्ट नहीं है तो उन्होंने चेंज किया अपने आप को तब भी मटेरियल आप तक पहुंचा रहे हैं तो डू नॉट ब्लफ योर सेल्फ अपने आप को धोखा देंगे बेटा किसी और को नहीं देंगे चलिए डायराइवर रिलेशन बिटवीन रियल एंड अपेर अब इसमें क्या प्रॉब्लम आया कि बच्चों ने बिना रे डायग्राम के पंजाबी बोल दे फट चकते जानते सारे ना फट चकना की होंगे यस काम चला देना बस ऐसे ही हो गया बिना डायग्राम के बेटा मुझे पता नहीं उन्होंने साइन किस एंगल का लिया साइन आर किस एंगल का लिया चलो तो मैं दोबारा समझा देता तो हूँ एक बार ये एक ऑब्जेक्ट था ओ जो कि पानी के अंदर था लेटर से ये वाटर है ये एयर है के? यहां से जो रेज एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकलती हैं लेफ्ट राइट अप तो उनमें से एक रेज जो जाएगी नॉर्मल टू द डिवाइडिंग इंटरफेस जो बाउंड्री दोनों सरफेस को अलग अलग करती है जो रे नॉर्मली इंसिडेंट होती सीधी निकल जाती है जो रे जाएगी बेटा एंगल आई पे जैसे पहले भी बताया था डेंसर से रेर रे में जाएंगे रे हैज टू बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल आर का वैल्यू आई से बड़ा हो जाएगा ओके तो ये दोनों रेज ए ए डैश और ये जो सी की तरफ गई ये ऐसे लगेगा कि पॉइंट आई से आ रही तो बाहर से देखने पे ऑब्जेक्ट ओ का इमेज आई पे दिखेगा तो लगेगा कि थोड़ा सा ये ऑब्जेक्ट ऊपर शिफ्ट हो गया यानी इसकी जो डेप्थ है वो कम हो गई तो साइन आई बाय साइन आर लिखना था आपको पहले इक्वल टू म्यू ऑफ सेकेंड मीडियम सेकेंड मीडियम यहां पे एयर है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम वाटर फिर हमने साइन आई साइन आर का वैल्यू पुट करना है दो राइट एंगल ट्रायंगल से ए बी आई से लिखोगे बेटा साइन आर और ए बी ओ से लिखोगे साइन आई और दोनों में सेम आएगा ए बी ए बी बेस जो है सॉरी हाई वो एक में बी आई आएगा एक में बी ओ आएगा ए बी ए बी किया कैंसिल इसके बाद आ गया बेटा बी आई चला गया ऊपर और बी ओ आ गया नीचे लेकिन ये दोनों रेस जो है सी वाली और जो ए डैश को जा रही है अगर मैं ऊपर एक आई आई ड्रॉ कर दूं तो दोनों रेस को ना आई में पहुंचना था दो, दो, यहाँ पे अगर आई ड्रॉ करें ना दोनों रेज को आई में पहुंचना है तो दोनों रेज आईज में एक ही सिंगल आई में तब पहुँचेंगी अगर ये जो पॉइंट है ना बी ये और पास और पास और पास यानी बी ए के बिल्कुल पास आ जाना चाहिए तो ये जो दूसरी रे है जो कि बिल्कुल साथ साथ में चल रही थी ये भी आई में पहुँच जाएगी तो पॉइंट बी जो है वो ए के बिल्कुल पास में होना चाहिए सो फॉर बोथ रेज टू एंटर आई बी अप्रोच ए तो अगर बी ए के पास पहुंच गया तो जहां जहां बी लिखा था वहां पे आप ए लिख सकते हैं अब ए से लेके आई तक है अपर एंड डेप्थ ए से लेके ओ तक है रियल डेप्थ और ये यूजली ना क्वेश्चन में हमें दिया होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिलेटिव टू एयर गिवन होता है तो इसको वाटर विद विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखने के लिए रेसिप्रोकल लीजिए इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये बन जाएगा म्यू ऑफ वाटर रिलेटिव टू एयर और इसका रेसिप्रोकल लिया तो रियल डेप्थ आ जाएगी ऊपर अपर एंड डेप्थ आ जाएगी नीचे तो काफ़ी बच्चों ने ठीक भी किया हुआ है ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट बच्चों का ठीक है बट जिन्होंने बिना डायग्राम के ही कर दिया बेटा उनके मार्क्स कट गए बिना डायग्राम के आप कैसे लिखेंगे साइन आई का वैल्यू क्या है साइन आर का वैल्यू क्या है किस ट्राइंगल को यूज़ कर रहे हैं कहाँ वाटर है कहाँ एयर है तो बिना डायग्राम के करेंगे बेटा नंबर कट जाएंगे तो बी केयरफुल डायग्राम जो है किसी भी क्वेश्चन का बेटा वो एक इंटीग्रल पार्ट है पहले डायग्राम ही नजर आएगा टीचर को चलिए नाइन्थ क्वेश्चन था एक्सप्लेन द फॉलोइंग वॉयस स्काई अपीयर्स ब्लू सन अपीयर्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज वैसे पता नहीं अभी इस साल क्वेश्चन ये वाला आएगा कि नहीं आएगा बट आप पढ़ के जाना ज़्यादा मुश्किल टॉपिक तो था नहीं कुछ करवाया हुआ है तो इसमें बेटा यूज होता है फॉर्मूला सो कॉल्ड रेलीज स्कैटरिंग याद आ गया होगा आपको रेलीज स्कैटरिंग जिसमें था कि जो रेलीज फार्मूला कह लो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट जो है वो वेवलेंथ की फोर्थ पावर के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था और पढ़ा हमने रेड कलर का वेवलेंथ लार्जेस्ट वायलेट का वेवलेंथ लीस्ट तो रेड कलर जो है वो लीस स्कैटर होता है और वायलेट कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है तो अगर अर्थ के सरफेस पे आप यहाँ पे खड़े हैं ऊपर को देखेंगे नो डाउट सनलाइट आ जाएगी सारी की सारी आपके पास आपको सन दिखेगा लेकिन जब आप इधर को देखते हैं तो इधर बेटा आपको स्काई नजर आएगा ब्लू कलर का वो क्यों नजर आएगा क्योंकि ये जो ऊपर से कलर्स आ रहे थे ना सारे बेटा इन आ रहे कलर्स में से रेड कलर जो है वो ली स्कैटर वो आगे निकल गया ठीक है और जो ऑरेंज है येलो है ये कम मुड़ते हैं लेकिन ये जो वायलेट हुआ ब्लू हुआ इंडिगो कलर है ठीक है इन्होंने ज्यादा बेंड होना है बेटा तो स्काई ब्लू कलर इन कलर्स का ही कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड स्काई ब्लू स्काई ब्लू एग्जैक्टली ब्लू थोड़ी होता है इनका कॉम्बिनेशन है बेटा तो इसके पीछे थी स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो जो गैसेज हैं और पार्टिकल्स हैं अर्थ के एटमोस्फियर में वो स्कैटर करते हैं सनलाइट को इन ऑल डायरेक्शंस तो ब्लू कलर गेट्स स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर्स हाँ ब्लू की थोड़ी सी ना विजिबिलिटी भी हमारे ह्यूमन आई के लिए ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वायलेट एंड इंडिगो ये कलर हमें थोड़ा ज़्यादा दिखता है तो ब्लूइश कलर जो है वो थोड़ा प्रोमिनेंट होगा इस टाइम में ओके दूसरा क्वेश्चन था कि मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम में सन का कलर आपको रेड क्यों नजर आता है दोपहर को सन को देखें तो बेटा वो येलोइश नज़र आएगा क्योंकि सन बेसिकली येलो कलर स्टार है तो जब आप नून की बात करते हैं दोपहर की बात तो जो सन है ना उसका जो जो पाथ है वो एटमॉस्फेयर के थ्रू कम डिस्टेंस कवर करना है उसको आप तक पहुंचने के लिए मॉर्निंग टाइम इवनिंग टाइम वो जो डिस्टेंस है टू तो बी कवर्ड थ्रू एटमॉस्फेयर, वो डिस्टेंस हो जाता है ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो स्कैटरिंग भी ज़्यादा हो जाएगी तो जैसे बोला रेड कलर गेट्स लीस्ट स्कैटर्ड तो रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है वो पहुंच जाएगा बाकी कलर स्कैटर होकर इधर उधर चले जाएंगे वो बेटा फिर आपको नहीं नजर आएंगे तो मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम आंसर मैंने लिख दिया है बाकी आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है लिखने की जरूरत नहीं है एक बार बस पढ़ के आपके पास सो कॉल्ड लॉजिक होना चाहिए कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि क्यों हो रहा है तो आप उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करो सफिशियंट है बेटा चलिए क्वेश्चन नंबर टेन कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ नाइन सेंटीमीटर आई पीज का जो फोकल लेंथ है वो गिवन है टेन सेंटीमीटर और एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है सिक्स सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट को सिक्स सेंटीमीटर अवे प्लेस कर दिया तो बताइए कि उसका मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या था और इसकी जो माइक्रोस्कोप की लेंथ है यानी कि आई पीस और ऑब्जेक्टिव में कितना डिस्टेंस है वो भी बताना था चलिए तो आपको पहले ऑब्जेक्टिव से शुरू करता हूँ ऑब्जेक्टिव में जो ऑब्जेक्ट है वो हमें प्लेस किया है हमने सिक्स सेंटीमीटर अवे तो U बोला था कि लेफ्ट को नेगेटिव लेना होता है तो U का वैल्यू माइनस सिक्स फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज फोर सेंटीमीटर हो गया हमें v निकालना है पहले कि ऑब्जेक्टिव इमेज को कहाँ फॉर्म करेगा डन तो लेंस फॉर्मूला यूज करिए वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय वी माइनस वन बाई यू यू का वैल्यू माइनस सिक्स फोकल लेंथ फोर सेंटीमीटर और वी निकालिए पहले वी क्या आता है तो वी ऑफ ऑब्जेक्टिव बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन बाय सिक्स को उधर लेके जाएंगे माइनस वन बाय सिक्स चलिए तो ये मैंने साइन में थोड़ी गलती कर दी है एल सी एम ट्वेल्व आएगा इधर थ्री आएगा ऊपर माइनस टू तो यहाँ पे प्लस आना है बेटा प्लस वन बाई ट्वेल्व पॉजिटिव साइड पे इमेज बनेगा तो वी का वैल्यू आएगा बेटा प्लस ट्वेल्व सेंटीमीटर साइन में ठीक कर देता हूँ साइन करेक्शन है तो ये आना था बेटा प्लस और ये भी आना था प्लस ठीक कर दीजिए बेटा गलती हो रही है इसमें चलिए आगे चलते हैं बेटा अब हमें ना जो आई पीस है उससे ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा ये डिस्टेंस भी चाहिए बेटा क्योंकि जो लेंथ है ना वो v ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड u ऑफ आई पीस के बराबर है हमें ये भी निकालना है और हम ये जानते हैं कि माइक्रोस्कोप में जो आई पीस का इमेज है वो d यानी 25 सेंटीमीटर पे फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट वाली साइड पे फॉर्म होता है u निकालना है जो डिस्टेंस लेफ्ट को मेजर होगा माइनस में आएगा तो इमेज का डिस्टेंस बेटा लेना 25 सेंटीमीटर नेगेटिव फोकल लेंथ आपको दी है आई पी की 10 सेंटीमीटर हो गया यू का वैल्यू निकालना है तो वन बाई एफ इक्वल टू तो, फिर वही लेंस लेमूला वैल्यूज पुट करिए एफ को लिखना है टेन और ये आएगा बेटा आपका वी इक्वल टू तो माइनस ट्वेंटी फाइव वन बाई यू ई को लेफ्ट पे शिफ्ट करिए प्लस हो जाएगा वन बाई टेन को राइट पे ले माइनस आ जाएगा दोनों माइनस माइनस है ऐड होने हैं एलसीएम आएगा फिफ्टी तो यहां पे बनेगा बेटा माइनस फाइव और यहाँ पे आएगा माइनस टू माइनस फाइव माइनस टू माइनस सेवन कईयों ने इसको सॉल्व करने में गलती कर दी बेटा बी केयरफुल ओके रेसिप्रोकल ले लीजिए तो ये आ गया यू का वैल्यू अब जो मैग्नीफाइंग पावर थी उसमें बेटा मैंने बोला था वी ओ यू ओ जस्ट आपको ना डिस्टेंस पुट करने हैं यहां पे मैग्नीट्यूड पुट करनी है बेटा साइन नहीं लगाना तो इधर आएगा प्लस ट्वेल्व इधर आएगा U का वैल्यू सॉरी यहाँ पे यहाँ पे भी गलती हो रही है यू ओ वी था ट्वेल्व यू ऑफ ऑब्जेक्टिव था सिक्स साइन नहीं लगाना बिना साइन के पुट करना ट्वेल्व बाई सिक्स और डी का वैल्यू तो ट्वेंटी फाइव होता है और यहाँ पे कुछ बच्चों ने क्या किया फोकल लेंथ जो है वो ऑब्जेक्टिव की डाल दी बेटा उससे गलती हो गई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस टेन सेंटीमीटर चलिए माइनस साइन एज इट इज 12 और सिक्स हो जाएंगे कैंसिल टू पे और ये टू ट्वेंटी दोबारा सुन लो बेटा ध्यान से ये जो v ऑफ ऑब्जेक्टिव और v ऑफ आई अनयू ऑफ ऑब्जेक्टिव है ना इनको आपने साइन नहीं लगाना बेटा जैसे लिखा हुआ यहां पे एज इट इज कर दे ठीक है और डी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस जो दिया हुआ है बेटा वही वैल्यू पुट करिए कई बार ना हमें सारा कुछ आता होता है फॉर्मूला भी आता है अभी जिनके नंबर दिशा फॉर एग्जांपल, वो 30 मार्क्स वाली थी नंबर कटवा दिया बेटा एक इसी क्वेश्चन में कटवाया थर्टी नाइन मार्क्स ट्वेंटी मार्क्स रह गए रीज़न हमें आता था सारा कुछ हमने ना चीज़ों को फिर से एक बार क्रॉस चेक नहीं किया क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने के बाद बेटा उसको रिवाइज जरूर करना है जो क्वेश्चन पेपर का ना आपका प्लानिंग है आंसर कर आंसर करने का उसमें यह ध्यान रखिए कि एंड में आपको ना आधा घंटा या बीस मिनट रिवाइज़ करने के लिए जरूर मिले ताकि आप चेक कर सकें कि क्या क्वेश्चन के हर पार्ट का आंसर हो गया कई बच्चों ने यहाँ तक तो निकाला उन्होंने लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप निकाली नहीं एक नंबर कट गया तीन पार्ट्स थे बेसिकली एक पार्ट था कि आपको V निकालना पड़ेगा पहले यहां तक आपका एक नंबर बनता है राइट दूसरे पार्ट का जो है ये U निकालना पड़ेगा इसके लिए लेंथ के लिए बेटा U की यहाँ जरूरत नहीं है एक बार V निकल निकल आया M तो आप डायरेक्टली निकाल देंगे ठीक है तो M का जो आंसर था वो आपका एक नंबर का अब यू निकाला बेटा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप नहीं निकाली नंबर कट गया बेटा तो पूरा करिए तो अब यहाँ पे फिर से डिस्टेंस के सिर्फ साइज चाहिए हमें वी ओ कितना नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना यू ई -E कितना नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना तो इसको भी प्लस सेवन पॉइंट वन और वी ओ का वैल्यू हमने ट्वेल्व निकाला दोनों को ऐड कर दीजिए तो नाइनटीन पॉइंट वन सेंटीमीटर आंसर आना था तो ये क्वेश्चन ना फिफ्टी परसेंट बच्चों का ही ठीक है बेटा फिफ्टी परसेंट बच्चों ने गलत कर लिया तो टेक केयर कि के बेटा ऐसी मिस्टेक्स ना हो बाकी टेस्ट सारे देने हैं अब ऐसे ही बच्चे जिन्होंने टेस्ट दिए ही नहीं बेटा वो अपनी गलती को अपने ग्रे एरियाज को जज नहीं कर पाए तो सबसे पहला स्टेप जो है टूवर्ड्स गुड स्कोर इज गिव ऑल द टेस्ट टेस्ट देंगे बेटा तभी पता लगेगा कि क्या पार्ट आप नहीं लिख पाए ठीक है चलिए अब इलेवंथ क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये तो आता है आप सभी को कि जब रे जो है वो डेंसर मीडियम से लेस डेंस की तरफ या रेयर की तरफ जाएगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो रे जो है वो 100 परसेंट अंदर आना शुरू हो जाती है रे का कोई पार्ट बाहर नहीं जाता टोटल रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है ठीक है डायग्राम की जरूरत नहीं थी नो no डाउट इसके बाद निकालना था आपको डेराइवन एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल आई का वैल्यू थीटा सी का वैल्यू या आई देखो आपकी मर्जी है जिस टाइम ये एंगल इक्वल टू क्रिटिकल एंगल बनता है तब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अभी हमने डिस्कस किया वो 90 हो जाता है वो इक्वल टू एन ऑफ या म्यू ऑफ सेकेंड मीडियम रे जा रही है डेंसर से रेरर तो म्यू ऑफ रेरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर कई बुक बुक्स में एन भी लिखा हो वो भी ठीक है दोनों ठीक है साइन नाइन्टी का वैल्यू वन होता है हाँ आपको ना ये पूरा डायग्राम नहीं ड्रॉ करना था आप कम से कम इतना ड्रा करते कि एक अपने पास बाउंड्री है जो डेंसर और रेयरर को सपोर्ट करती है और ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ से जब रे जो है क्रिटिकल एंगल पे जाएगी एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल होगा तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा इतना डायग्राम तो बनाइए बेटा ठीक है यहाँ पे डेंसर लिखिए और इधर आप रेरर लिखिए ठीक है ये इतना डायग्राम तो ड्रा करना है बेटा इसका इफेक्टिव इंडेक्स आप म्यू वन इसको म्यू टू लाइक दिस ऐसे कर सकते हैं बेटा ठीक है तो आपको ना ये इतना काम तो करना ही था ये पूरा डायग्राम चाहे नहीं भी ड्रा करते तो भी चल जाता डन अब आगे आपको आते यह साइन ऑफ नाइन्टी हो गया बेटा वन और साइन को बेटा राइट हैंड साइड पे ले जाइए साइन इन्वर्स कर दीजिए ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हो गया अब रे डायग्राम ड्रॉ करना था आपको उस एप्लीकेशन का जो कि आज की इंटरनेट की दुनिया में यूज हो रही है तो काफी बच्चों को समझ नहीं आया क्वेश्चन बेटा आज जो आपका नेटवर्क आ रहा है बहुत सारे बच्चों को पता भी है नो no डाउट <coughs> एक तो मोबाइल का सिग्नल है बेटा वो तो ठीक है जो आपका जियो का नेटवर्क है उसमें ऑप्टिकल फाइबर लगे हुए हैं बेटा अभी एक्सप्लेन किया मैंने दो जगह यूज है इसका बेटा ऑप्टिकल फाइबर्स का वन इज इन हॉस्पिटल्स सर्जरी करने के लिए उसमें यूज होता है एंडोस्कोप और दूसरा यूज है बेटा कम्युनिकेशन तो जो डाटा है ना आपने देखा होगा आपके जो कॉल्ड so मोडम है मोडम उसकी लाइट बार 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 बार, बार ना ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होती रहती है मोडम की लाइट बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होती रहती है ना मोडम पे लाइटें सी जलती रहती है बेटा इज इट तो वो डाटा आ रहा है बेटा कभी कभी ये वन पे होता है वन पे मतलब हाई वोल्टेज हाई वोल्ट पे लाइट ऑन हो जाएगी तो यहाँ पे एक ना डायोड लगाते हैं लेजर डायोड लाइट सोर्स कह सकते हो उसके आगे यही लगता है ऑप्टिकल फाइबर ये आपके घर तक आता है बेटा इसके थ्रू डाटा ट्रेवल करता है तो आपको बाकी मैंने रिटर्न नहीं यहाँ पर लिखा नहीं यहाँ पर कुछ भी तो जो मॉडर्न इंटरनेट कम्युनिकेशन है उसमें यूज़ होता है फाइबर ऑप्टिक्स उसमें बेटा यूज़ होता है ऑप्टिकल फाइबर राइट चलो तो फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन इज मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लेकिन साथ में आपको रे डायग्राम भी ड्रॉ करना था तो आपको ये वाली फिगर भी बनानी थी तो काफी बच्चों का ठीक भी है नो no डाउट लेकिन काफी बच्चों ने छोड़ दिया यहीं पर उनका एक नंबर कट गया है चलिए अब इसमें बेटा क्वेश्चन है फिर दो पार्ट से एक तो डराइव करना था रिलेशन ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई फॉर अ प्रिज्म और डराइव करना था प्रिज्म फॉर्मूला तो कई बच्चों ने यहाँ भी वही पंगा बेटा डायग्राम इनकम्प्लीट पूरा नहीं किया पहले प्रिज्म बनाना था इंसिडेंस रे बनानी थी दो नॉर्मल बनने थे नॉर्मल्स के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ एमरजेंस बनने थे इस रे को आगे एक्सटेंड करके इसको पीछे एक्सटेंड करके एंगल ऑफ डेविएशन दिखाना था डेल्टा ये वाला एंगल वन और ये वाला एंगल टू लिखना था ये पूरा डायग्राम है बेटा कईयों ने क्या किया बस छोटा सा काम किया छोटा सा काम मतलब प्रिज्म ड्रॉ करके जिसको काम चलाओ कहते हैं बस एक ने बना दी एक ये बन गई एक ये बन गई बस नॉर्मल उनबल सा हो गया थोड़ा बहुत आई ई लिख दिए बस आगे शुरू हो गए इसके बाद अब कोई पता नहीं कौन सा ट्रायंगल है कहां पे क्या है इतने से काम नहीं चलेगा बेटा डायग्राम हैज़ टू बी कंप्लीट तो जिनका डायग्राम कंप्लीट नहीं है उनके नंबर काट दिए गए हैं बेटा वेरी सॉरी टू से अब बाकी काम तो आसानी था ज्यादा मुश्किल नहीं था बेटा आई एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ई एंगल इन दोनों एंगल का टोटल आर वन प्लस आर टू दोनोंक्वेशन को प्लस कर दिया आई प्लस ई आर वन प्लस आर टू वन प्लस टू अब ये एक राइट एंगल टू एंगल है जी डी ई थोड़ा बड़ा करके दिखा दो एंगल जी डी ई इसमें ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल है डेल्टा एंगल डेल्टा एंगल एक्सटीरियर एंगल डेल्टा एंगल जो है वो वन और टू का होगा सम तो हमने डेल्टा एंगल को एंगल वन प्लस एंगल टू लिखना है डन हो गया अब ये जो है ए डी एफ ई ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये दो एंगल नाइनटी नाइन्टी के हैं तो दो एंगल 90 90 के हैं तो बाकी के दो एंगल का साम भी वन आना चाहिए टोटल 360 था ना 360 में से दो 90 90 के हो गए तो 180 एटी तो यही हो गया तो ए और एफ का साम 180 बट डी ई एफ भी एक ट्रायंगल है तो एंगल एफ में आर वन आर टू एड करेंगे तो वो भी वन आना चाहिए तो इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर को अगर कंपेयर करें वन एटी वन एटी मैच कर गया एफ से एफ मैच कर गया तो ए किससे मैच होगा फिर R1 plus R2 से, तो आर वन प्लस आर टू को ए पुट करना है 1 plus 2 को बेटा डेल्टा पुट करना है तो आंसर आ जाएगा तो मैंने थोड़ा स्पीड से कर दिया है क्योंकि पहले भी हम डेरिवेशन कर चुके हैं ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे इसके बाद एक ग्राफ था बिटवीन आई एंड डेल्टा डेल्टा का वैल्यू आई एंगल इंक्रीज होने से पहले कम होता है फिर वो लीस्ट हो जाता है जिसको हमने बोला था एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन उस टाइम आई एंगल ई के बराबर होता है आर वन इक्वल टू आर टू होता है ओके आई इक्वल टू ई आर वन इक्वल टू आर टू तो अगर आर वन आर टू इक्वल टू आर हो गए ये भी आर ये भी आर दोनों का साम इक्वल टू ए तो टू आर इक्वल टू ए यानी आर इक्वल टू ए बाई टू और यहाँ पे अगर वैल्यू डाल देंगे बेटा इस इक्वेशन में ए को ए डेल्टा को डेल्टा एम और आई और ई e दोनों सेम है बेटा आई को आई ई e को भी आई लिख दो टू आई इक्वल टू ए प्लस डेल्ट है आई का वैल्यू निकल आया अब आपको बोला था प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करो तो काफी बच्चों ने ना यहाँ पे ला के छोड़ दिया तो उनका बेटा जो क्वेश्चन है वो टू मार्क्स यहाँ तक थे एक नंबर था इस पार्ट का वो किया नहीं आप लोगों ने तो फिर टू मार्क्स मिले हैं इस क्वेश्चन में चलिए बाकी फिर आगे तो लगाना था स्नेज लॉ म्यू इज इक्वल टू तो साइन आई बाई साइन आर आई भी निकल चुका है आर भी निकल चुका है वैल्यूज पुट कर दीजिए इसको बोला था हमने प्रिज्म तो ये भी डराइव करना था कई बच्चों को पता नहीं है कि प्रिज्म फॉर्मूला है क्या बी केयरफुल राइट थर्टीन क्वेश्चन रे डायग्राम करना था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का इसके बाद सिर्फ उसका एक्सप्रेशन लिखना था मैग्नीफाइंग पावर का डराइव नहीं करना था कई बच्चों ने डराइव कर दिया बेटा टाइम वेस्ट कर लिया तो पहले ऑब्जेक्टिव आईपीस बाद में ड्रॉ करना होता है ये आपकी होगी प्रिंसिपल एक्सिस रेज इंसिडेंट पैरल टू इच अदर, वो कन्वर्ज होंगी फोकस पे ये जो पॉइंट था वो ऑब्जेक्टिव आई दोनों का फोकस था इकट्ठे ये फोकस एक ही पॉइंट ऑब्जेक्टिव का भी है, आई आईपीस का भी तो रेज जब फोकस से आएंगी एक कॉन्वेक्स लेंस पे देन दे बिकम पैरल तो ये इसका रे डायग्राम था ठीक है ये आई का पोजीशन हो गया ये डिस्टेंस हो गया फोकल लेंथ ऑफ फो ऑब्जेक्टिव और ये हुआ फोकल लेंथ ऑफ आई रे डायग्राम पूरा हो गया एम का सिर्फ फॉर्मूला लिखना था तो एम इस केस में था बेटा माइनस एफ ओ बाई एफ ई जस्ट फार्मूला लिखना है डराइव नहीं करना बेटा डेरिवेशन के लिए पूछा तो डराइव करिए अब एंड में पूछा था दो एडवांटेज दीजिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के यानी न्यूटोनियन टेलीस्कोप जिसको हमने कैसे कैसेग्रेन टेलीस्कोप भी बोला था उसका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के क्या एडवांटेज है किसी किसी बच्चे ने क्या किया बेटा वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ही बना दिया वो नहीं बनाना था बेटा आपको बनाना था रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ठीक है चलो मैंने मार्क्स तब भी दे दिए उस बच्चे को कोई बात नहीं चलिए एडवांटेजेस क्या क्या थे एक तो बेटा जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है उसमें कोई क्रोमेटिक एबरेशन कलर्स का जो डिफेक्ट होता है ना रेड कलर जो है वो दूर जाके फोकस होता है वायलट नज़दीक फोकस होता है वो वाला प्रॉब्लम नहीं आता रिजॉल्विंग पावर अच्छी होती है बेटा यानी क्लैरिटी अच्छी रहती है इमेज का ब्राइटनेस अच्छा होता है क्योंकि जो मिरर का साइज है ना वो हम बहुत बड़ा बना सकते हैं दिखाई थी आपको मैंने फोटोग्राफिक तो मिरर का साइज़ बड़ा हो जाएगा तो वो ज़्यादा लाइट कलेक्ट करेगा ज़्यादा लाइट कलेक्ट करेगा तो फिर ज़्यादा जो इमेज का ब्राइटनेस है इंटेंसिटी ऑफ द इमेज वो भी ज़्यादा रहेगी और एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं जो मिरर्स हैं पैराबोलिक उनमें स्पेरिकल एब्रेशन भी नहीं होती तो यू कैन ऑल्सो एड फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एबीरिएशन कुछ बच्चों ने लिखा है गुड वेरी नाइस लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ड्रॉ रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन कॉन्वेक्स लेंसेज इन कॉन्टेक्ट बेटा जब रेज आएंगी इनफिनिटी से पहला लेंस उसको रेज को ना फोकस पे कन्वर्ज करेगा अपने फोकस पर यह इसका फोकस है बेटा पहले लेंस का लेकिन जब रे दूसरे लेंस में से क्रॉस करती है तो वो ये दोबारा फिर इसको और बैंड कर देता है और रेज का फाइनल फोकस जो है कॉम्बिनेशन का वो यहां पे बन जाता है तो पहले भी कर चुके हैं इस तरह का केस बेटा फर्स्ट लेंस ने जो इमेज बनाना था वो सेकेंड लेंस का ऑब्जेक्ट सेकेंड लेंस एफ वन का इमेज एफ कॉम्बिनेशन पे बनाता है चलिए पहले लेंस के लिए हम ना लेंस फार्मूला लगाएंगे यू था इन्फिनिटी माइनस में फोकल लेंथ इसका था बेटा एफ वन यहाँ तक तो इमेज बना एफ वन पे तो वी वन इक्वल टू एफ वन आने वाला है तो इसकी जो फोकल लेंथ है एफ वन लिखेंगे यू का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी वन बाई इन्फिनिटी जीरो होता है तो वी वन यानी कि फर्स्ट लेंस का इमेज एफ वन के डिस्टेंस पे बनेगा जो कि अगले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसको U ऑफ सेकेंड लेंस लिखेंगे U2 लेकिन इस बार ये राइट हैंड साइड को डिस्टेंस मेजर हो रहा है इसलिए U का साइन आप पॉजिटिव देंगे प्लस F1 ओके okay, इसकी फोकल लेंथ है F2 राइट right? और इमेज बना कितने डिस्टेंस पे फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन पे V इक्वल टू F कॉम्बिनेशन तो फिर से लेंस फॉर्मूला वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई माइनस यू वन बाई वी करेंगे वन बाय एफ टू इस लेंस का फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लस एफ वाई लेकिन माइनस साइन भी लगा था आगे माइनस भी आएगा v राइट हैंड साइड को पॉजिटिव f कॉम्बिनेशन में बना इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए इतना ही काम था बेटा ये आ गया फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपको पूछा था पावर का फॉर्मूला पावर इज वन बाय एफ तो ये वन बाय एफ पहले लिखा हुआ है तो इसको सिंपली पावर में कन्वर्ट कर दीजिए बेटा बी वन प्लस पी टू तो जिनको आता है बेटा डेरिवेशन वेरी नाइस नहीं आता एक बार प्रैक्टाइज कर लीजिए बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कई बार आ चुका है बेटा कई बार आ चुका है बी पार्ट चलते हैं लास्ट पार्ट लाइट पासिंग फ्रॉम एयर थ्रू एन इक्विलेटर अंडर गोज मिनिमम डेविएशन वेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थ्री बाय फोर ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म यहीं पे होता है इक्विलेटर प्रिजम है सिक्सटी डिग्री जब आई एंगल ए एंगल का थ्री बाय फोर हो गया उस टाइम प्रिज्म मिनिमम डेविएशन में आ गई तो थ्री बाय फोर ऑफ ए यानी सिक्सटी तो फोर्टी फाइव एक बच्चे ने बेटा गलत काट लिया यहां पे कैंसिल करके बेटा आया उस बच्चे का उसने फोर को सिक्सटी पे कैंसिल किया तो बेटा ट्वेंटी फाइव लिख लिया उसने गलती से और यहाँ पे फोर्टी फाइव ना आके सेवेंटी फाइव आ गया बेटा सो ऐसी गलतियां मत करिए बेटा क्वेश्चन आता था बच्चे को सारा फॉर्मूले सारे आते हैं नंबर सारे कटवा दिए सिर्फ फॉर्मूले के नंबर मिले बेटा बाकी बेटा सो बी केयरफुल बेटा क्या करना है ओके okay, तो आई का वैल्यू फोर्टी फाइव डिग्री एंड मिनिमम डेविएशन में ना आप जानते हैं ना आई ई e के बराबर हो जाता है आर वन आर टू सेम हो जाते हैं अभी प्रूव किया हमने पीछे जो आई का वैल्यू है वो E के बराबर हो जाएगा आर वन आर टू इक्वल टू आर हो जाएंगे और हमने प्रूव किया A का वैल्यू आर वन प्लस आर टू होता है A इक्वल टू आर वन प्लस आर टू बट आर वन आर टू सेम हो चुके हैं तो एक्वल टू आर प्लस आर ये भी R ये भी R तो R का वैल्यू A बाई टू ए हमें पता है सिक्सटी डिग्री तो बेटा बाय टू कर दीजिए थर्टी डिग्री आ गया तो I अपने पास आ गया बेटा R का वैल्यू आ गया अपने पास म्यू निकाल सकते हैं हम म्यू

री इंटर्न पावर रेट है ना डिवाइड बाई वी म्यू निकाल चुके हैं वन पॉइंट फोर वन फोर को लाइए नीचे बाकी कैलकुलेशन है बेटा फिजिक्स तो इतना ही है बाकी सॉल्व करके जो भी आएगा तो दैट इज़ ऑल इन टूडे लेक्चर होप के सारा कुछ समझ आ गया होगा रिकॉर्ड मैंने कर दिया है ताकि आप इसको वापस रिवर्स बैक भी कर सकें जो चीज़ नहीं समझ आई दोबारा फिर देख सकें फिर भी कुछ लगा आपको व्हाट्सएप आप मुझे कर देना मैं आपको आंसर लिख के भेज दूंगा होप सभी को बेटा समझ आ गया होगा यू वुड हैव एन्जॉयड द लेक्चर थैंक यू फॉर वॉचिंग अच्छा लगा तो लाइक कर देना बेटा नहीं लगा कोई बात नहीं है नीचे को हाथ भी है वो भी कर सकते हैं वी आर यूज टू ये दोनों तरह के हमारे को रिस्पॉन्स मिलते हैं बाकी कोई कमेंट है आपका कमेंट बॉक्स में लिखिए बेटा लेक्चर दूसरों के काम का है शेयर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग